सरों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। आने वाले नए साल 2023 को लेकर पूरे विश्व में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं, और अगर बात करें उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ की यानी नवाबों के शहर की, तो यहां भी तैयारियां जोरों शोरों से हो रही हैं और लोगों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं कि नव वर्ष में हमारी संवाददाता सुहानी सिंह से खास बातचीत में क्या कुछ कहा गया। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के रिवर फ्रंट पे और आज हम बात कर रहे हैं आगामी नौ वर्ष के जो तैयारी पूरे भारत वर्ष में धूमधाम से लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब सिर्फ एक दिन बचा है न्यू वर्ष आने में, 2023 आने में। तो अब बात करें हम राजधानी लखनऊ नवाबों के शहर में, यहाँ के जो लोग हैं जो 2023 और 2022 जो जा रहा है उसको किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहेंगे और किस तरह से तैयारी कर रहे हैं यहाँ के जो लोग हैं, तो वही यहाँ के जनता से कि वो अपने किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कोविड भी आ चुका है, उसको देखते हुए यहाँ के लखनऊ की जो जनता है वो अपनी तैयारियाँ कैसे और किस तरह से कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं यहाँ के जनता से। अपना न्यू ईयर सब तैयारी कर रहे हैं मनाने के लिए, क्योंकि कोविड भी आ गया है और सरकार का उद्देश्य भी है कि आप लोग पूरी अपने प्रिकॉशन के साथ अपना न्यू ईयर मनाइए, तो किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? पहले तो हम लोग अपने प्रिकॉशन देख के न्यू ईयर मनाएंगे, बाहर तो ज़्यादा जाएंगे नहीं है, तो यही है कोविड को देखते हुए न्यू ईयर मनाएंगे। Okay, कुछ आप अपने लाइफ में चेंजेस करना चाहेंगे तो 23 में, या अपने समाज के लिए कुछ ऐसा सोचे कुछ अच्छा करने के लिए? वैसे तो हम रेगुलरली सोचते रहते हैं समाज को आगे बढ़ाने के लिए, बट जितना बेटर हो पाएगा उससे अच्छा कोशिश करने के लिए करेंगे। तो आपको ऐसा क्या लग रहा है कि मुझे 2022 में जो मुझे नहीं करना चाहिए था, अब वो 23 में हम उस चीज़ को सुधारेंगे, अपनी गलती जो सुधारेंगे, या कुछ नया करना चाहेंगे अपनी लाइफ में? हाँ, हम लोग का रियल एस्टेट का बिजनेस है, आशा करते हैं पिछले जो दो साल में नुकसान हुआ रियल एस्टेट में, अच्छा। वो आगे उससे अच्छा और हो, फायदा हो, मतलब नुकसान ना हो फायदा हो, क्योंकि दो साल में रियल एस्टेट बहुत ही नीचे चला गया है, अच्छा। तो 2023 जो आ रहा है उसको हम चाहेंगे कि हमारे जो लाइफ में जो हमारा बिजनेस है उसमें आगे से अच्छा ग्रोथ करें। सेम टू यू सर। आपका क्या, आप जो न्यू ईयर है किस तरह से अपना सेलिब्रेट करना चाहेंगे और क्या चेंजेस करना चाहेंगे अपनी लाइफ में? चेंजेस करेंगे, जैसे फ़ोन अपडेट होता है हर ईयर, मतलब हर मंथली, इतना हम भी अपने आप को अपडेट मानेंगे नया न्यू ईयर में। तो ऐसी क्या 2022 में गलती की है जो 2023 में सुधारने वाले हैं ऐसा, या समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहेंगे, कुछ ऐसा सोचे हैं? समाज के लिए क्या, समाज के लिए तो यही कोविड को ध्यान में रखते हुए न्यू ईयर मनाएंगे और अल्कोहल को अवॉइड करेंगे इस साल से। सरकार का भी है कि आप लोग थोड़ा अच्छे से प्रिकॉशन अपने प्रोटोकॉल के साथ न्यू ईयर के जश्न मनाइए, तो किस तरह से तैयारियां हैं आपको? तो ये यही रहेगा कि हम लोग प्रिकॉशन और प्रोटोकॉल मनाएंगे जी, और अल्कोहल वगैरह जो बताएं उससे थोड़ा दूरी बनाएंगे, वैसे तो बना नहीं सकते लेकिन थोड़ा बहुत रहेगा बनाना जी। और तो जो 2022 में रहा उससे थोड़ा बेटर ही 2023 किया जाएगा जी। कुछ समाज के लिए सर नया कुछ सोचे हैं क्या? आपके समाज लग रहा है कि हमारे समाज में कुछ गलत हो रहा है, उसको सुधारने के लिए कुछ ऐसा सोच बनाए हैं अपना? अब दूसरे को तो नहीं संभाल पाएंगे, खुद अपने को संभालेंगे जी, और दूसरे को क्या कहेंगे हम लोग, अपने को संभाल ले तो दूसरे हाथ हो जाता है कि खुद से पहले शुरुआत करें फिर से हाँ। तो करेंगे ही सर। आप किस तरह से अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाहेंगे? देखता होगा, पार्टी शार्टी तो होगा ही, सेलिब्रेट तो करेंगे। कोविड की आशंका भी है, कोविड भी आ चुका है, तो सरकार का यही मानना है कि अपना प्रिकॉशन प्रोटोकॉल के साथ न्यू ईयर जश्न मनाइए, तो कुछ ऐसा सोचे? हाँ सोचे, ज्यादा बाहर ना जाए, घर में सेलिब्रेट करें, घर पे सब दोस्तों को बुलाया जाए, घर पे मनाया जाए। तो 2023 में क्या चेंजेस करना चाहेंगे अपनी लाइफ में? स्टडी तो करिए, देखते हैं और अपने आप को और बेटर करने की कोशिश करेंगे। सर आप कैसे सेलिब्रेट करना चाहेंगे? मैम मैं तो एक तारीख को प्लान बनाया हूँ जाने के लिए लखनऊ में ही, आसपास इधर जो कैफेज़ हैं अच्छे अच्छे मैम, और क्लब उलब जाना है सोचा है मैंने। तो कोविड भी आ चुका है तो कुछ आपका प्रोटोकॉल प्रिकॉशन ऐसा? प्रिकॉशन मास्क हम लोग लगाएंगे, मास्क लगा के जाएंगे और हम लोग प्रोटोकॉल भी फॉलो कर रहे हैं। वैसे अभी वैसे खास कुछ स्ट्रिक्टनेस आया नहीं अभी लखनऊ में उतनी, मास्क के लिए भी देख लिए काफ़ी लोग बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं, तो मैम अभी सरकार को गवर्नमेंट को थोड़ा ज़्यादा ही, लेकिन अभी से आप हिदायत करेंगे तभी, क्योंकि आपको भी पता है एक जनवरी कितनी भीड़ भाड़ होने वाली, तो उसमें थोड़ी अपनी प्रोटोकॉल प्रिकॉशन लेके सेलिब्रेट करिए। यस मैम। तो अपनी लाइफ में क्या चेंजेस करना चाहेंगे 2023 में? मैम मैं तो अभी जिम ज्वाइन कर रहा हूँ फिर से, और अभी मैं इंटीग्रल में पढ़ता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ स्टडी में मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास्ट जो रहा है पढ़ाई में मतलब उतना अच्छा नहीं किया हूँ, मैं अब 2023 में अच्छा करना चाहता हूँ। चलिए बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। ओके मैम। अभी मैम किस तरह से आप अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाहेंगी? न्यू ईयर घर पे फैमिली के साथ। अच्छा, मेरी फ्रेंड है इसके साथ,
हाँ। तो अपने लाइफ में कुछ 2022 में जो गलती की है क्या वो 2023 में नहीं, नहीं कोई गलती नहीं की हूँ, सब बड़े हैं। हाँ बोले ना, प्रमोशन चाहिए मुझे, सैलरी हाइक चाहिए। थैंक यू मैम। आपकी हाँ, मेरी फ्रेंड हम लोग घूमने जाएंगे, पिकनिक बनाएंगे, छोटी सी प्लान है हमारी। चेंजेस करना चाहेंगी लाइफ में 2023 में, कुछ ऐसा थॉट है आपका? हाँ मैं लखनऊ ही छोड़ रही हूँ 2023 में। चलिए बहुत, आपके अगले साल के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर। हाँ थैंक यू। कैसे अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाहेंगे इस बार? अभी हम लोग क्या हमारे फ्रेंड के आए हुए हैं और राजस्थान से आए हैं यहाँ लखनऊ में, सेलिब्रेट करने ही तो आई हैं। हाँ तो बस यही समझ लीजिए। अरे तो मैम इस बार कोविड भी आ चुका है, तो पूरा निर्देश है सरकार के कि थोड़ा प्रिकॉशन और प्रोटोकॉल के साथ अपना, तो क्या आप ऐसा सोच रही हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि अभी हमें तो नहीं लग रहा कि कोविड का कुछ ऐसा है, लेकिन थोड़ा अपनी प्रोटोकॉल के साथ ही तो सब कुछ। हाँ वो तो है ही कि थोड़ा सा सेफ्टी के साथ थोड़ा घर पे यानी एंजॉय करें बच्चों के साथ। तो मैम आप 2023 में कुछ अपनी लाइफ में चेंजेस करना चाहेंगी? लाइफ में बस यही है कि सब फैमिली वालों के साथ अच्छे से रहें और फ्रेंड्स के साथ, बस यही लाइफ है। मैम अपना न्यू ईयर जो है किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहूंगी? ये मेरे फ्रेंड्स से, मेरी बहुत बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड है, इनके साथ सेलिब्रेट करना चाहूंगी। अच्छा, तो क्या ऐसा सोची, कुछ प्लानिंग सोची है कुछ अलग? अलग ऐसा कुछ नहीं सोचा अभी तक। अच्छा, तो मैम इस बार कोविड भी है, प्रिकॉशन के साथ आपकी फ्रेंड भी आई है राजस्थान से, तो कुछ ऐसा कुछ करें प्रिकॉशन के साथ ही सेलिब्रेट करना चाहेंगी? हाँ प्रिकॉशन तो मास्क जरूरी है। बिल्कुल। और तो 2023 में कुछ चेंजेस करना चाहेंगी जो 22 में की है आप 23 में ना दोहराना चाहे गलती, ऐसा कुछ हेल्थ पे ध्यान देना चाहेंगे बस, और कुछ नहीं। सर आप न्यू ईयर सेलिब्रेट करने किस तरह से आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, और कहाँ से? सर आप बता रहे थे कि हम किसी और जगह से आए हैं लखनऊ में अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करने, तो सर आप किस तरह से अपना प्रोग्राम बनाए हैं? सो हम पुणे से आए हैं और हम लखनऊ देखना चाहते थे, काफ़ी दिनों से सुना था देखा था, अब ये पार्क बिर्क जो नए बने हैं वो भी देखे थे, यूट्यूब पे देखे थे। अच्छा। तो पूरा रिसर्च करके आए हैं। अच्छा। सोचा न्यू ईयर यहीं सेलिब्रेट करेंगे, तो 31st के लिए हम यही हैं पूरे फैमिली के साथ। आपको लखनऊ बहुत बढ़िया बना है? पुराना लखनऊ भी अच्छा है, नया तो बढ़िया ही है। पुराने लखनऊ में नवाबों का सब शहर है, पुराने खंडर हो चुके काफ़ी सारे, मेंटेनेंस की ज़रूरत है, बट फिर भी बढ़िया है, ऐसी बड़ी हवेलियाँ दिखने ही नहीं मिलती आजकल, तो वो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो सर क्या प्रोग्राम बनाए हैं 31st के, क्योंकि सर कल ही आने वाला, तो कुछ तो ऐसा प्रोग्राम? वैसे पार्टी का कुछ सोचे नहीं है, पर घूमेंगे काफी, लखनऊ घूमना बचा है। सर कोविड भी आ गया सुनने में आया है, तो प्रिकॉशन प्रोटोकॉल पूरे योगी जी का आदेश है कि उसके साथ आप अपना जश्न मनाइए, तो कुछ ऐसा? नहीं जश्न तो खैर मनाएंगे नहीं जाके काफी सारे पब्लिक में, बट जहाँ भी जा रहे लग रहा है कि अगर है तो मास्क है पहन लेते हैं, लोग काफी आजू बाजू हो जाए तो जी, 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 तो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो सर क्या चेंजेस करना चाहेंगे 2023 में अपने लाइफ में? 2023 में जी फिटनेस पे जोर देंगे और क्या, और जनवरी में नहीं स्टार्ट करेंगे, फरवरी में स्टार्ट करेंगे। जनवरी में सब होते हैं चालू होते हैं, फरवरी में बंद हो जाता है, तो 1 फरवरी से चालू करो। आप अपना जो प्रोग्राम है 2023 को लेके, न्यू ईयर को लेके किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहेंगे? अरे अब इतने बरस गुजर गए है, हर बार एक आधा तय करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। अच्छा। तो इस बार ऐसे रहा है, क्या है कि कुछ तय करने का ही नहीं। अच्छा। एंजॉय करने का, करने का। चलिए हैप्पी न्यू ईयर दादी जी। थैंक यू। आप कैसे सेलिब्रेट करना चाहेंगे जी, किस तरह? आप आई हैं पुणे से लखनऊ सेलिब्रेट करने, तो क्या आपको लखनऊ में अच्छा लगा ऐसा पुणे से? पुराने ये जो बिल्डिंग्स है जी वो बहुत बढ़िया है। अच्छा। यहाँ के लोग आपको कैसे लगे लखनऊ के? पुणे से क्या कुछ अलग है उनका थोड़ा बिहेवियर, ऐसा कुछ बताना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं लगा। अच्छा। अच्छी तरह से बोल जाते हैं, बताते हैं, राय बताते हैं, कुछ लूटा लूट ऐसे कुछ नहीं किया। अच्छा। ज़्यादा एक्सपेंसेस भी नहीं लिए, ऑटो से गए। अच्छा, तो अच्छा। कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। अच्छा, बेसिकली अच्छा लगा लखनऊ। हाँ अच्छा लगा, फूड टेस्ट भी बहुत बढ़िया थी। कितने दिन तक रहने वाली है? अब कल रात तक है, अभी सेलिब्रेट करके ही जाएंगे, मतलब सेलिब्रेट करके जाएंगे। अच्छा, कल रात की फ्लाइट है हमारी। सेलिब्रेट नहीं करते हम, हिंदू का जो रहता है न्यू ईयर वो सेलिब्रेट करते हैं। तो वही किस तरह से आप सेलिब्रेट करना चाहेंगे? तो पूजा वगैरह करके, पूजा पाठ करके घर में सेलिब्रेट करते हैं हम, कुछ
मतलब कोई पार्टी शार्टी नहीं करते। अच्छा, हम तो इसमें कोविड भी आ चुका है सरकार का, ये भी है कि अभी किधर कोविड है सर, सुनने में तो आ ही रहा है कि सर आगे अपना प्रिकॉशन वो सब मीडिया का क्या कह रहा है, चीज है कोई कोविड नहीं है कुछ नहीं है। जापान में हमारे लोग, चाइना में हमारे लोग रहते हैं फॉरेन लोग, उन्होंने बताया कोई कुछ नहीं है उधर भी, कुछ ये नहीं है जो इससे बता रहे हैं कि इतना लोग मरने वाला है, इतना लोग एडमिट है, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हॉस्पिटल में जगह है, ऑक्सीजन है, सब कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, जी असर 2023 में कुछ अपना समाज के लिए आप कुछ सोचे होंगे, कुछ क्या आपको लग रहा है कि ये चीज़ें हमें अपने बदलना चाहिए, खुद से कोशिश करना चाहिए पहले? नहीं, क्या है जो गरीब लोग हैं उनके लिए ज़्यादा कोई कुछ सोचता नहीं है। अभी मैं हाल ही में गया था एक धार्मिक कार्यक्रम में, उधर भी देखा मैंने बहुत कम लोग आगे आते हैं समाज के लिए आगे, और ये जो आते हैं वो उनका कुछ ना कुछ अपना मतलब रहता है। तो ये बंद होके ज़्यादा से ज़्यादा, अभी हमारे पाठशाला के और कॉलेज के जो फ्रेंड हैं, हम लोगों ने ग्रुप बनाया है, और वो जो ग्रुप का जो हेड है वो देखता है कि किसी ज़रूरतमंद को ही या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट को ही वो पैसा जाए। जैसे किसी का बर्थडे है तो पार्टी शार्टी करने के बजाय वो 1000-2000 रुपये उसको हमारे फ्रेंड को देते हैं, वो जाके वो इंस्टीट्यूट को देते हैं। और गरीबों का सेवा करना चाहते हैं नहीं, वो उनके भी वो बेचारों के लिए कुछ कोई करता है नहीं है जी, जी, जी। वो सब लोग अपना नाम पॉलिश करने में लगे हैं जी, तो उससे अच्छा है कि हम लोग ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को मदद पहुँचाएँ जो सच में चाहते हैं, जिनको सच में ज़रूरत है, ऐसे लोगों को मदद पहुँचाना अच्छा है। और क्या पार्टी शार्टी करके क्या होगा, रात का नशा सुबह उतर जाएगा, उससे अच्छा है वो पैसा किसी ज़रूरतमंद गरीब आदमी को मिले जाए। तो ये हम देखते हैं, जैसे हम कोई एक बार साल में गेट टुगेदर करते हैं, उसका कंट्रीब्यूशन आ गया, उसमें से कुछ 13-14 हज़ार बच गया, तो वो डिस्ट्रीब्यूट वापस नहीं गया कि तुम्हारा पैसा बच गया, वो 13-14 हज़ार उठा के ज़रूरतमंद लोगों को दे दिया, ऐसा करते हैं हम। ऐसे आप अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाहेंगे, किस तरह से तैयारी कर रही हैं आप? तैयारी, बच्चे मेरे पास आ गए, मेरा न्यू ईयर हो गया, मैं उनके संग एंजॉय करूंगी, घूमूंगी फिरूंगी, खाऊंगी पीऊंगी। मैम आप कुछ 2023 में चेंजेस करना चाहेंगे अपनी लाइफ में? नहीं, अब इस समय आप क्या चेंज करेंगे, जो है वो जो है वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, चलिए बेस्ट ऑफ लक मैम, और हैप्पी न्यू ईयर। अभी से आपका जो ये दिख रहा है उत्साह, तो क्या क्या तैयारियां की हैं आप? एक्चुअली वी आर कॉलेज स्टूडेंट्स एक्चुअली, और हम लोग लखनऊ विजिट करने के लिए आए ट्रिप पर। कहां से आई हैं मैम आप? बेसिकली मैं दिल्ली से हूँ, बट हमारा कॉलेज ग्वालियर है, सो हम लोग गर्ल्स ट्रिप में आए हैं। तो हमने 2-3 डेस्टिनेशन कवर किए, अब हम यहाँ पे लखनऊ आए हैं लखनऊ विजिट करने के लिए, एंड शी इज फ्रॉम लखनऊ, लाइक माई फ्रेंड इज फ्रॉम लखनऊ। लखनऊ इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है लखनऊ, बहुत प्यारा है लखनऊ, एंड वाइब है लखनऊ में, कुछ अलग वाइब है यहाँ। बिल्कुल, ये तो सब बोलते हैं कि यहाँ के जो वाइब्स है बहुत ही हटके है। हाँ जी। तो मैम आप 31st की क्या आपने प्लानिंग की है, कुछ ऐसा कुछ बताइए अलग? एज ऑफ नाउ तो 31st को फ्रेंड्स के साथ में ही जाने वाले, लाइक उसके फ्रेंड्स के साथ में जाने वाले हैं, एज सच और कुछ नहीं है प्लान। एंड 1st को मे बी शायद हो सकता है कि बाहर जाएंगे कहीं, बट अभी आज कुछ प्लान नहीं है। तो मैम आप अपने जो 2022 में कुछ ऐसी गलती की होंगी 2023 में नहीं उसको दोहराएंगे, या कुछ चेंजेस करना चाहेंगे अपनी लाइफ में? नहीं, मेरा नहीं, मैं कुछ भी चेंजेस नहीं करना चाहूंगी, जो है जैसा है, नो रिग्रेट्स, लाइफ में ज्यादा रिग्रेट्स नहीं रखने चाहिए। बिल्कुल, यस, थैंक यू। एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर मैम। थैंक यू। कैसे अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाह रही है इस बार? अभी हम लोग आए हैं मुंबई से, और हम फैमिली के साथ फैमिली गेट टुगेदर हम कर रहे हैं, और स्पेशली लखनऊ आए हैं लखनऊ की सर्दी फील करने के लिए, अनुभव करने के लिए। मैम आपको लखनऊ कैसा लगा, किस तरह से आपका शहर, मतलब कहा जाता है नवाबों का शहर है ये, हाँ। तो आपको किस तरह से लगा? लखनऊ तो एक्चुअली मेरा मायका ही है, तो मेरा आना जाना लगा ही रहता है, तो मुझे अच्छा लगा, और इस सर्दी में नहीं आना हुआ था। फैमिली के साथ आई है तो हाँ, हटके आपको इसका वाइब्स आ रहा होगा। हाँ, ये स्पेशली ये सर्दी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुंबई में तो ये इस तरह का मौसम मतलब नहीं होता, इतनी ठंड तो नहीं होती है ना, तो उसी उस तरह का वो उसको फील करने के लिए हम लोग आए हैं स्पेशली। तो ये आप इस बार जो अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करना चाहेंगे 2023 में, जो 2022 में कुछ ना कर पाई हूँ ऐसा कुछ? हाँ, वो तो बहुत सारे रेजोल्यूशन है। बिल्कुल, तो बताइए ऐसा। अभी तो ऐसा एकदम से बताना मुश्किल है, कुछ कुछ है मेरे, कुछ पॉइंटर्स है उसको फील करना है, मतलब उसको। सर आप कैसे सेलिब्रेट करना चाहेंगे इस बार 2023 अपना?
वैसे हमारे जितने भी पिछले न्यू ईयर सेलिब्रेशन हुए वो सब मुंबई में हुए, लेकिन ये साल हमने सोचा है कि हम हम मुंबई टू लखनऊ में सेलिब्रेट करेंगे परिवार के साथ, तो इसलिए हमारे परिवार के साथ ही सब प्लान है और न्यू ईयर उनके साथ मनाएंगे। और 2023 में कुछ चेंजेस करना चाहेंगे अपने समाज के लिए, कुछ अलग क्या सोचे हैं? कुछ हर न्यू ईयर से पहले हम ये सोचते हैं क्योंकि चेंजेस करेंगे, लेकिन चेंजेस होता है कि नहीं हमें नहीं पता, हमें एडवांस में नहीं पता, वो उस समय पता चलेगा कि चेंजेस हुआ कि नहीं। साल खत्म होने दीजिए, चालू होने दीजिए, जब जब काम करेंगे पता चलेगा कितना चेंजेस हुआ है। ने देखा यहाँ के जो जनता है राजधानी लखनऊ के, वो अपने 2023 को लेके बहुत ही उत्साह है और उनकी तैयारी जोरों शोरों से कर रहे हैं। साथ ही उनका ये भी कहना है कि जो कोविड की आशंका है उसके भी प्रोटोकॉल और प्रिकॉशन के साथ हम अपना 2023 सेलिब्रेट करेंगे और अपनी जो 2022 में जो गलतियाँ की हैं वो 2023 में नहीं दोहराएंगे, उसको भी अपने लाइफ में कुछ चेंज करेंगे और कुछ समाज के लिए भी कुछ करना चाहेंगे। साथ ही आपको बता दें कि लखनऊ में कोई पुणे से तो कोई दिल्ली से तो कोई मुंबई से जो 2023 अपना सेलिब्रेट करने आए हैं और प्रिकॉशन के साथ अपना जो ये न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो बस यही कामना है कि जो 2023 आ रहा है वो सबके जिंदगी में खुशी और उत्साह लेके आए। कैमरामैन सुधीर के साथ सुहानी सिंह, लखनऊ प्राइम टीवी। फिलहाल नववर्ष 2023 की खास प्रस्तुति में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।